कोई क्या कान में सुई घुस गई मान लेना, कोई क्या कलम घुस गया मान लेना, कोई क्या उंगली घुस गई और कोई क्या मूसर घुस गया मान जाओगे। देश की भुखमरी मिटाता है, खून पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, उसे आप उसकी बाजी मूल नहीं देंगे। इलेक्शन से पहले उन्होंने मोदी को नंगा करना था, नंगा कर दिया पूरी दुनिया में। मोदी खट्टर की जो पुलिस है गोली मार के जान से मार देगी। आपको जिंदा रखे हुए हैं, अपना खून पसीना से आपको खाना खिलाते हैं, आप उनकी सुविधाओं के देखने की आपको आंख फूट रही है। अच्छा वो खालिस्तानी तो अभी तक खालिस्तान बन जाना चाहिए। चाइना जो हजारों किलोमीटर वर्ग की जमीन उसने हड़प कर ली है, यही कील अगर वहाँ तुम लगाते तब तुमको पता लगता कि क्या होता। ये सारी रोडें उसके पिताजी की नहीं है। आँख टूटती है लचकती जरूर है और बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। जब दीप बुझता है तो एकदम रोशनी होती है, फिर कुछ हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चराग है, दावा है इस बार इंडिया 400 पार आएगी। अरे यार हम कर दो 1000 पार यार मान लोगे हमारी। कोई कहे कान में सुई घुस गई मान लेना, कोई कहे कलम घुस गया मान लेना, कोई कहे उंगली घुस गई और कोई कहे मूसर घुस गया मान जाओगे, मान जाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप तो पत्रकार हैं, दर्शन समाज का दर्पण हैं, तो वो मूसर घुसने वाली बात कर रहा है। मूसर बताओ मीनिंग इनको मूसर मूसर जानते नहीं, पता है, हाँ, पता है, पता है, तो वो मूसर दर्शकों को, तो जब मूसर नहीं घुस सकता है तो वो 400, 500, 600, 1000 की कहने लगे, दिक्कत क्या है? घर की खेती है, चांचा से जो तो मुंह है। तो लगातार संघर्ष जारी है, किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में आए, लेकिन जो तैयारी है लगता है कूच कर पाएंगे। भाई कितने कमजोर सरकार है यार, तुम्हें क्यों डर लग रहा है किसान से? जो हमारा अन्न उगाता है, पेट भरता है, देश की भुखमरी मिटाता है, खून पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, उसे आप उसकी बाजी मूल नहीं देंगे, क्यों डर लग रहा है? सीएम खट्टर कह रहे हैं इनका तौर तरीका ठीक नहीं है आने का। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैंने अभी आपसे एक बात कही कि कहने सुनने से दीवारें चल जाती हैं। आप चल गए, आप मीडिया के होकर चल गए कि वो 400 कह रहा है, वो 370 कह रहा है। कंट्रोल तो वही कर रहे हैं ना अभी तो। ओ भैया, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा बताओ, बताओ ना कि मुर्गी आई थी अंडा? ट्रैक से हट जाएंगे। बहस होना चाहिए था महंगाई पे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे, उस पर भाग रहा है, वो मूल समस्या पर बात नहीं करना चाहता है। तो मैं अर्ज आपसे कर रहा हूँ कि मोदी का हमें राजनीतिक जीवन अंधकार में नज़र आ रहा है, और इसलिए नज़र आ रहा है, इसके पास एक राम का झुंझुना रह गया है। देखो इस दीवानु, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। हम मुस्लिम हैं, हम भजन जानते हैं, क्या है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा मोदी रूपी कौआ मोती, मोदी रूपी कौआ मोती खा रहा भैया। और जनता मरी जा रही, भूखी है, प्यासी है, संकटों से घिरी हुई है भारतीय जनता। किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हुई, सरकार ने कहा भाई हम 5 फसलों पे 5 साल तक MSP देंगे, फिर किसान नहीं माने। भाई किसान क्यों मानने लगे? इससे पहले भी 5 साल किसानों ने मान ली थी, इसने कुछ दिया? इसने कहा था अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया हम सबके खाते में डाल देंगे, और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को, नौजवान लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कुछ दिया इसने? इस किस मुँह से बात करता है? और जब मोदी सपना दिखाता है, वो मदारी है, वो मारीच है, वो अपना रूप बदल लेता है, तो मोदी जो है मारीच है, मदारी है, डुगडुगिया बजाता है, बंदरियां जो उसकी है वो नाचने लगती हैं। और लगता है आप आएंगे किसान, तुम भी कुछ दिल्ली कूच कर पाएंगे? सुनिए, आपने क्वेश्चन किया था भाई किसानों को, तो उन्होंने रोक लिया, आने नहीं दे रहे, किसानों का बुरा हाल है, ये आप कहना चाहते हैं? किसान जीत गए हैं कैसे? कहाँ जीत गए हैं, संघर्ष जारी है। या तो आप बोलो या मेरे से पूछ लो। बोलिए बोलिए। किसान जीत चुके हैं कैसे? कैसे? इलेक्शन से पहले उन्होंने मोदी को नंगा करना था, नंगा कर दिया पूरी दुनिया में। वो शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे वो पूरा किले और पता नहीं क्या क्या, वो ये आंसू गैस के गोले ये डाल के दुनिया देख रही है कि मोदी क्या कर रहे हैं, नंगा हो गया ना। तो ये वो चाहते थे, अब उसका रिजल्ट आप इसमें देख लेंगे, अभी आएगा ना इलेक्शन, इसमें देख लेंगे। उनका उद्देश्य पूरा हो गया,
देना ना देना, अब पहले भी दो तीन साल पहले इन्होंने जो जो वायदे किए थे उसी में कह रहे हैं बात करो। क्या किसान बेवकूफ़ हैं? फिर भी वो लियाना दाना चलो बात कर लेते हैं, उनको मालूम है देना दुना कुछ नहीं है। इलेक्शन में ये नंगा हो गया है, इसकी जो है ना ये जो क्या कहते हैं इसको पैंटी खुल गई है, है और अब दुनिया देख रही है, दुनिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन लोगों का ये चल क्यों रहा है? जैसे उन्होंने कहा वो मदारी है, क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं, जनता जानती है बेवकूफ़ है। डुगडुगी बजाएगा वो कहेगा 400 400 वहाँ भी 400 आ रही है। तो ये तो हम मान रहे हैं ना, इन्होंने बोला ना मैं 1000 कह दूंगा तो जनता वही मान जाएगी। थाली बजाओ जी, कोरोना खत्म हो जाएगा। को लेकर उसके टाइमिंग को लेकर सवाल किया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। इलेक्शन के टाइम में पता चला कि लोगों को पता चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं दुनिया को पता चल रहा है कि इसको नंगा कर दिया, कि वो बेचारे आराम से आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से, कोई उनका वो नहीं है। आंदोलन आराम से कर रहे हैं, अंदर कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड तोड़ के, वो देखो दिल्ली आने की कोशिश। आप दिल्ली में उनका है नहीं, क्या आएंगे? दूसरी चीज आंदोलन जो है ना, पहली चीज जो इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में आना कोई जुर्म है, दूसरी बात वहाँ पे जो आंदोलन है, जितने किसान नेताओं को सुन लो वो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने नौजवानों को समझाने की कि भाई तुमने जब तक हम नहीं कहें तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन बहुत से जो नौजवान जोश होता है तो उस अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब मोदी खट्टर की जो पुलिस है गोली मार के जान से मार देगी। अरे कल मेरे मोदी परास्त तो फिर सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये तो नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में है। आपको अच्छा ये बताइए, आपको ये लोग कहते हैं कि जो किसान गाड़ियों से आए हैं इसलिए वो कहते हैं कि असली किसान नहीं है। आप देखें अमेरिका में जो किसान होते हैं ना उनके पास प्राइवेट जेट होता है, तो ये आप किसानों को प्रमोट करिए ना, आप भी ऐसा करिए कि हमारे किसानों के पास जेट हो, उनको संसाधन दीजिए, आपको जिंदा रखे हुए अपने खून पसीने से आपको खाना खिलाते हैं, आप उनकी सुविधाओं के देखने की आपको आँख फूट रही है तो क्या दिक्कत है? किसान अपने मेहनत से कमा करके वो आ रहा है तो अपना कमा कर रहे हैं। नकली किसान है क्या आप? इतना इस देश का व्यक्ति ये जो इस देश में रह रहा है वो नकली है? आपका प्रश्न ही उल्टा है, किसान कहीं नकली होता है? नहीं, सोशल मीडिया हमारा प्रश्न थोड़ी जो चलाया जा रहा है वो। अच्छा एक बात बताइए कि किसान यहाँ रहा, संविधान के दायरे में रहकर हम लोगों को एक 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 वो बनाया गया है कि आप अपनी बात सड़क से लेकर के और संसद तक पहुंचाने के लिए, अगर संसद में तुम्हारी आवाज नहीं उठ रही है तो सड़क के माध्यम से संसद का रास्ता किया जाता है। अब वो रही बात उसकी कि वो बोला किसान क्यों नहीं आया, भाई वो उग्रवादी है, किसान उग्रवादी है, अगर इसीलिए तो बता रहा हूँ खालिस्तान। अच्छा वो खालिस्तानी तो अभी तक खालिस्तान बन जाना चाहिए, जब अगर वो खालिस्तानी है तो खालिस्तान बन जाना चाहिए, अन्यथा एक बात जैसे आपने बताया कि उनके ऊपर वो चल रहा, ये आँख यही चाइना जो हजारों किलोमीटर वर्ग की जमीन उसने हड़प कर ली है, यही कील अगर वहाँ तुम लगाते तब तुमको पता लगता कि क्या होता। मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक देश का 30 साल सैनिक, राजपुर रेजिमेंट से मेजर अमर सिंह चौहान, वो 30 साल देश की सेवा किया है, तो हमें मालूम है कि वो जो इतना वर्ग किलोमीटर की रजाई वहाँ तुम्हारी मानसिकता कील क्यों नहीं लगी? और आज तो हमारे ही देश के किसानों को जो तुमको अन्न उपजाऊ करता है उसके लिए कील और गोली, और हमको हमारी आवाज़ के बोलने के लिए हमको सड़क भी चाहिए और हमको संसद भी चाहिए, ठीक है ना? और ये रोड उसके बाप की नहीं है, ये रोड ये सारी रोडें उसके पिताजी की नहीं है, ये सारी रोडें हमारे जितने लोगों की बनाई हुई मेहनत तो उसकी खून पसीने से इन रोडों का निर्माण हुआ और हर चीज चलने का कहीं भी जा सकता किसी भी रोड। ये सारी गाड़ियां चल रही तो तुम सारी गाड़ियों को रोक लोगे? कहते हैं ट्रैक्टर भाई खेतों में चलने की चीज है। यही तो बात है कि ट्रैक्टर क्या यहाँ रोड पर नहीं चल रहे हैं?
रोड पर ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे ट्रैक्टर वो काम कर रहे हैं जो ईंटा गाड़ा फलाना चीज और ये सब ढो रहे हैं, वो ट्रैक्टर नहीं है। अरे मोदी जी को जब ये बनवा रहे थे विस्टा बना रहे थे, एनजीटी ने मना किया था, एनजीटी ने मना किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन हो रहा था इतना, और उस कोरोना में भी जब सारा काम बंद था तो उस समय क्या मजदूरों को कोरोना नहीं फैल रहा था? इनको जो अपना सुध आता है कि ये करना चाहिए वो सही है, वो नियमबद्ध है, और जो इनके सुटेबल में नहीं है, जो इनके फेवर में नहीं है, उन लोग का किसान शहीद भी हो गए। क्या चीज शहीद भी हो गए? हाँ, कल भी एक किसान बेचारा शहीद हुआ है, मैं उसको श्रद्धांजलि देता हूँ। और हमारा एक दोस्त गया था, उसको भी बगल से गोली निकली है, और वो देखिए किसानों को जिसको आतंकवादी कहते हैं, उस किसानों ने उसको चोट लगी, उसको छाप के बचा लिया, ठीक है। तो बताइए अपने बेटे की तरह आप लोगों को, जो भी मीडिया रिपोर्टर था उसका रेतरे करते हैं, हम लोग कैसे आतंकवादी कह सकते हैं? ये तो गोदी मीडिया का बनाया हुआ चीज है कि अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, और दूसरे जो हमारी बहुजन सत्ता है, बहुजन के लोगों हैं, उनकी बात को दबाने के लिए ये बातें छेड़ते रहते हैं। इनका ये तो जुमला है, चुनावी जुमला, वो तो पता ही है आपको।